हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे GST सर्कुलर नंबर 177 डेटेड 3 अगस्त 2022। ये सर्कुलर में कुछ क्लारिफिकेशन दिया गया है GST का अप्लीकेबिलिटी के बारे में, वो बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। पहला है, जब डेवलप्ड लैंड हम सेल करेंगे वो टाइम में क्या GST लगेगा? तो जो हम लैंड सेल करते हैं उसके ऊपर GST नहीं लगता है, क्योंकि सेल ऑफ लैंड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो डेवलप लैंड जब सेल करेंगे उसके ऊपर GST लगेगा क्या? ये क्लैरिफाई किया गया है, डेवलप लैंड भी सेल ऑफ लैंड है तो उसका ऊपर नहीं लगेगा GST। डेवलप लैंड मतलब जो हम लेवलिंग करते हैं, लैंड लेके लेवलिंग कर दिया, उसका ड्रेनेज लाइन लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी लाइन लगा दिया, उसका बाद हम सेल करते हैं, तो जो डेवलप लैंड का सेल का ऊपर GST नहीं लगेगा। सेकेंड जो क्लैरिफिकेशन है, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज देता है वो एग्जम्प्ट है, उसका ऊपर GST नहीं लगता है। लेकिन जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कुछ फीस देते हैं, जैसे कि कोई एंट्रेंस के लिए हम कोई फीस दे रहे हैं, क्या कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हम ले रहे हैं, एडमिशन का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कोई फीस दे रहे हैं, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब इशू कर रहा है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो टाइम में हम कुछ फीस दे रहे हैं, क्या ये फीस भी एग्जेम्प्ट होगा? एग्जेम्प्ट होगा, उसका ऊपर GST नहीं लगेगा। ये क्लैरिफाई किया गया, ये जो हम फीस देते हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो जो सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है उसमें आएगा, तो ये फीस का ऊपर भी कोई GST नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। तीसरा जो क्लारिफिकेशन है, जब हम कोई सैनिटेशन या कंजर्वेंसी सर्विसेज देते हैं, कोई आर्मी या हम जो सर्विसेज देते हैं आर्मी को, या कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं, वो टाइम में क्या एग्जम्प्ट होगा? जब ये सर्विसेज हम देते हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड या पंचायत, जब ये जो लोकल अथॉरिटी, अगर वो उनको हम देते हैं ये सर्विसेज, वो टाइम में वो एग्जम्प्ट रहता है। वो जो शेड्यूल 11 शेड्यूल 12 का कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से वो उनका वो काम है, वो जनरल पब्लिक के लिए करते हैं, उसके लिए ये एग्जम्पशन दिया गया है, तो ये एग्जम्पशन और किसी को अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो GST सैनिटेशन या कंजर्वेंसी सर्विसेज, जब हम कोई आर्मी या अदर या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देंगे, वो टाइम में वो एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, तो GST लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब एडिशनल टोल, जब टोल चार्जेस कलेक्ट होता है तो टोल चार्जेस एग्जम्प्ट है, उसका ऊपर GST नहीं लगता है। लेकिन जो व्हीकल में फास्टैग नहीं है उसके लिए एक्स्ट्रा टोल चार्जेस कलेक्ट किया जाता है, क्या एक्स्ट्रा टोल चार्जेस के ऊपर भी GST लगेगा या नहीं लगेगा? ये क्लैरिफाई किया गया है, एक्स्ट्रा टोल चार्जेस, अगर कोई व्हीकल में फास्टैग नहीं है उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है टोल, तो उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एडिशनल जो पेमेंट हो रहा है वो भी टोल है, क्योंकि टोल टोल का ऊपर वो एग्जम्प्ट है, उसका ऊपर नहीं लगता है, तो एडिशनल टोल फीस जो भी हम देंगे उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा। नेक्स्ट आप ये क्लैरिफिकेशन आया है, अगर जो एप्लीकेबिलिटी GST ऑन सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART और IVF, ये जो सर्विसेज जब कोई देता है वो टाइम में क्या GST लगेगा? नॉर्मल जो हमारा मेडिकल सर्विसेज उसका ऊपर GST नहीं है, लेकिन उसमें कुछ एग्जम्पशन है जिसका ऊपर GST लगेगा। लेकिन अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहा है, प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो केस में GST लगेगा। लेकिन अगर ये जो सर्विसेज अगर कोई इंजुरी के लिए कर रहा है, कोई डिफर्मेटी को ठीक करने के लिए कर रहा है, तो नॉर्मल केस में कोई भी सर्विसेज का ऊपर जो मेडिकल सर्विसेज टैक्स फ्री है। ये भी जो IVF है या ART जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ट्रीटमेंट है, ये कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, तो उसको भी IVF या ART उसका ऊपर भी GST नहीं लगेगा। वो जो एग्जम्पशन है नॉर्मल जो हम मेडिकल जो सर्विसेज का ऊपर जो एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन भी इसमें ART और IVF में आएगा, तो इसका ऊपर GST नहीं लगेगा। अगर हम जब जो सेलिंग ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर्स, तो उसका रेट क्या रहेगा? नॉर्मली ये जो कंसेशनल रेट रेट बुक जब हम कोई बुक में देते हैं वो टाइम में कंसेशनल रेट रहता है, 5% लगता है GST, क्या ये जो सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर बुक, तो उसका ऊपर ये कंसेशनल रेट रहेगा क्या? यस, ये क्लैरिफाई किया गया है, जब कोई हम सोवेनियर में भी जो कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो भी बुक में आएगा, तो इसके लिए इसका ऊपर जो कंसेशनल रेट है 5% ही GST लगेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगर कोई हम
लीज में कोई जगह ले रहे हैं, कोई हमारा इंडस्ट्री लगाने के लिए जो गवर्नमेंट से ले रहे हैं या कोई ये कोई कॉरपोरेशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन से ले रहे हैं, वो केस में अगर हम कुछ लोकेशन चार्जेस या प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के लिए हम कुछ पैसा दे रहे हैं, जो हम एरिया जो जगह हम ले रहे हैं, ये हमारा जो इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए जो लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स या मोर, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म लीज ले रहे हैं कोई लैंड का, वो टाइम में जो हम फीस दे रहे हैं वो टाइम में लोकेशन चार्जेस या प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस के लिए जो फीस दे रहे हैं वो उसका ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? नॉर्मली ये जो हम लीज प्रीमियम देते हैं या अपफ्रंट अमाउंट देते हैं, जो भी हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट, ये सर वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, या जब ऐसा हम पेमेंट करते हैं वो एग्जम्प्ट रहता है। तो ये जो एडिशनल जगह अगर हम देते हैं कोई हमको प्रिफर्ड लोकेशन वो एरिया में वो से वही ये जो इंडस्ट्रियल जो एरिया डेवलप किया गया है उसमें से हमको कोई स्पेसिफिक एरिया में चाहिए, कोई लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन हम लेना चाहते हैं हमारा हिसाब से लेना चाहते हैं, तो वो केस में जो हम एक्स्ट्रा देते हैं वो भी ट्रीट किया जाएगा, वो लीज प्रीमियम दे रहे हैं जो लीज पेमेंट कर रहे हैं उसको ट्रीट किया जाएगा, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा, उसका ऊपर भी नहीं लगेगा जीएसटी। तो जो प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्जेस या लोकेशन चार्जेस जो हम पेमेंट करेंगे उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जब हम कोई ऑनरेरियम हम पेमेंट करते हैं गेस्ट एंकर, कोई टीवी डिबेट में आते हैं ये कोई गेस्ट आते हैं जिसको ये टीवी वाले पेमेंट करते हैं, वो गेस्ट एंकर होते हैं, उसका ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? यस, उसका ऊपर जीएसटी लगेगा, लेकिन उनका लिए देखना पड़ेगा उनका जो लिमिट है, वो जो गेस्ट एंकर आ रहा है उनका इनकम क्या है, वो जो लिमिट है एग्जम्पशन लिमिट है जिसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, वो एग्जम्पशन लिमिट अगर वो क्रॉस करते हैं तो वो केस में जीएसटी लगेगा, गेस्ट एंकर को जो भी ऑनरेरियम दिया जाएगा उसका ऊपर भी जीएसटी लगेगा। जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारा से माइनिंग पीट से हम कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारा रेलवे साइडिंग को या प्लांट को हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रांसपोर्ट का ऊपर क्या जीएसटी कितना परसेंट में लगेगा, वो इसमें ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया था क्या वो ट्रांसपोर्टेशन है जो टैक्स फ्री रहेगा क्या ट्रांसपोर्टेशन अदर देन जीटीए, वो ये क्लैरिफाई किया गया है। जब भी हमारा जो अगर कोई हमें डंपर में या कोई व्हीकल यूज करके हमारा जो माइनिंग पीट से जो रेलवे साइडिंग या वेनिफिकेशन प्लांट के लिए जो सर्विसेज हम लेते हैं वो रेंटिंग ऑफ सर्विसेज है, रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स विथ ऑपरेटर, तो ऐसा केस में वो एग्जम्प्ट नहीं होगा, उसका ऊपर 12% लगेगा जीएसटी, 12% फ्रॉम 18/7/2022, उससे पहले का जो रेट था ये 18/7 में वो चेंज हुआ है, तो उससे पहले वो 18% था। तो जो भी अगर हम जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम किसी से लिए हैं वो सर्विसेज लिए डंपर लिए हैं या और कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिए हैं माइनिंग पीट टू हम रेलवे साइडिंग या जो हमारा प्लांट तक लाने के लिए, उसका ऊपर जीएसटी लगेगा, पहले वो 18% लगता था, अभी 12% हो जाएगा फ्रॉम 18 जुलाई 2022 से, ये हो जाएगा 12% हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन पूछा गया था, अगर कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट कोई मोटर व्हीकल लेके उनका ये वो यूज कर रहे हैं तो उसका ऊपर क्या आरसीएम उनको देना पड़ेगा, तो ये क्लैरिफाई किया गया है। तो जो भी मोटर व्हीकल लेते हैं पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय भी हो, अगर वो ये जो मोटर व्हीकल लिया जाता है वो उसका पूरा कंट्रोल रहता है कॉरपोरेट का पास, वो कब चलाएगा कैसे चलाएगा, वो बड़ी जो कॉरपोरेट उसको लेता है किराए में लेता है तो उसका हाथ में ये पूरा कंट्रोल रहता है, तो इसका ऊपर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करना है, ये पहले भी ये जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसका हिसाब से वो पेमेंट करना है। जब भी हम कोई बड़ी कॉरपोरेट कोई मोटर व्हीकल लेता है ये मोटर व्हीकल लेता है उसको एम्प्लॉय के लिए यूज के लिए लेता है कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेता है, वो टाइम में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हिसाब से उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। जब हम व्हीकल अगर कोई नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन पूछा गया था, अगर हम कोई व्हीकल लेते हैं हमारा एम्प्लॉय को ये ऑफिस से घर तक अगर हम ये एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम वर्क अगर हम एम्प्लॉय कोई व्हीकल हम हायर करके लगाए एम्प्लॉय को हमारा स्टाफ को उनका घर से ऑफिस तक या ऑफिस से घर तक पहुंचाने के लिए, वो केस में क्या उसका ऊपर जीएसटी लगेगा? तो ये
क्लैरिफाई किया गया है, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एग्जम्पशन है, क्या इसमें ये केस में कॉरपोरेट को ये एग्जम्पशन मिलेगा, ये क्लैरिफाई किया गया है। जो ये केस में जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्हीकल किराए पे लिया जाता है, एयर कंडीशन नहीं होना चाहिए, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर हम कोई लेते हैं, ऐसा कोई कॉरपोरेट लेता है, तो ये केस में ये व्हीकल कॉरपोरेट का हाथ में रहता है और अपना हिसाब से वो चलाता है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एग्जम्पशन मिलता है, उसके लिए प्री डिटरमाइंड रूट रहता है, प्री डिटरमाइंड टाइम रहता है, रूट एंड शेड्यूल। कोई अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका जो रूट है वो फिक्स्ड है, वो टाइम भी फिक्स्ड है, कब गाड़ी आएगा, कौन सा रूट पे जाएगा, वो फिक्स है। लेकिन ये केस में जो कॉरपोरेट लेता है, जो एम्प्लॉय को टू एंड फ्रो के लिए, ये काम के लिए ऑफिस से घर, घर से ऑफिस अगर भी कराता है, वो केस में ये जो टोटल व्हीकल वो कॉरपोरेट का हाथ में है, कैसे चलाना है, कोई फिक्स्ड रूट नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, अपना हिसाब से चलाएगा, तो इसके लिए उसका ऊपर जीएसटी लगेगा। ये जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एग्जम्पशन है, ये केस में नहीं मिलेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी ऑन टिकट्स ऑफ प्राइवेट फेरी यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। जब भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का एग्जम्पशन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का एग्जम्पशन है, लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का वही जो कंडीशन अभी हम डिस्कस किए, वो प्री डिटरमाइंड रूट रहेगा, प्री डिटरमाइंड टाइम रहेगा, कौन सा रूट पे जाएगा, कब जाएगा, वो प्री डिटरमाइंड है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर हम कोई फेरी में जा रहे हैं, तो फेरी का अगर जो टिकट है, वो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएगा और उसका ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन ए वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया इज एग्जम्प्टेड। अगर वो फेरी में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई फेरी में भी एक जगह से दूसरा जगह को हम ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, तो वो केस में भी वो एग्जम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड वो जो हम फेरी में जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरा जगह को हम जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, प्रीडोमिनेटली टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए है, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, किसी का वेजल है, वो एक जगह से दूसरा जगह को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये तो वो केस में ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, एग्जम्प्ट होगा। लेकिन अगर वो टूरिज्म के लिए यूज हो रहा है, तो वो केस में फिर जीएसटी लगेगा। अगर टूरिज्म के लिए यूज नहीं हो रहा है, प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस अगर उसके लिए यूज नहीं हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो अगर पैसेंजर को जो हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो केस में ये एग्जम्पशन मिलेगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और एक क्लैरिफिकेशन पूछा गया था, जीएसटी रेट क्या रहेगा, जो आइसक्रीम पार्लर जो आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो वो केस में जीएसटी रेट क्या रहेगा ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2017 टू 5 अक्टूबर 2021, ये टाइम में हमारा जीएसटी रेट क्या रहेगा? ये पहले ये कुछ कन्फ्यूजन था, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन आया तो उनको 18%, ये जो आइसक्रीम पार्लर, पहले ये कन्फ्यूजन था क्या आइसक्रीम पार्लर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अगर 5% दे रहे हैं जीएसटी, क्या आइसक्रीम पार्लर भी 5% देंगे और विदाउट आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे, 5% जीएसटी देना है, ये कन्फ्यूजन था अप टू 5/10/2021। क्योंकि उसका बाद ये क्लैरिफिकेशन आ गया, सर्कुलर आ गया, तो ये जो आइसक्रीम पार्लर रेस्टोरेंट नहीं है, तो उनको 18% जीएसटी देना है। लेकिन ये जो 1 जुलाई 2017 टू 5 अक्टूबर 2021, ये पीरियड में जो सप्लाई जो आइसक्रीम पार्लर किए हैं, वो टाइम में जीएसटी क्या रहेगा, लेट क्या जीएसटी रेट रहेगा? लेकिन ये क्लैरिफाई किया गया है, ये नॉर्मली ये 18% उनको आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि वो रेस्टोरेंट नहीं है, तो देना चाहिए, क्योंकि पुराना लिटिगेशन में नहीं पड़ना है, इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन दिया गया। अगर कोई आइसक्रीम पार्लर 1 जुलाई 2017 से 5 अक्टूबर 2021 तक अगर 5% जीएसटी वो पेमेंट किया है विदाउट क्लेमिंग आईटीसी, तो वो माना जाएगा वो जीएसटी फुली पेड, उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन 5 जुलाई 2021 का बाद उनको 18% जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और एक क्लैरिफिकेशन पूछा गया था, सर्विसेज बाई वे ऑफ स्टोरेज
और वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन इन गिंड और बेल्ड बेल्ड फॉर्म ऑफ टू 18 जुलाई 2022। अगर हम कोई स्टोरेज कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग कर रहे हैं कॉटन को, गिंड मतलब उसका, अगर वो उसका जो गिंड फॉर्म मतलब उसका जो बीज निकाल दिया गया है, कॉटन सीड्स निकाल दिया गया है, गिन फॉर्म में रखा गया है और बेल फॉर्म में रखा गया है, कोई स्टोरेज कर रहे हैं, क्या वो सर्विसेज एग्जम्प्ट होगा? तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है, यस वो भी ये जो सर्विसेज एग्जम्प्ट होगा अप टू 18 जुलाई 2022 तक, अगर वो जो कोई स्टोरेज या वेयर हाउसिंग सर्विसेज एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि उसको माना गया है ये कैटेगरी ऑफ रॉ वेजिटेबल्स फाइबर्स सच एज कॉटन, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन का ये एंट्री, उसका जो बेनिफिट मिलेगा अगर वेयर हाउसिंग ऑफ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन इन गेंडर बेल्ट फॉर्म अप टू 18 जुलाई 2022 तक ये एग्जम्पशन मिलेगा, वो उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो जो एग्जम्पशन विदड्रॉन कर लिया गया है 18 जुलाई 2022, अप टू 18 जुलाई 2022 तक अगर कोई जो सर्विस चार्जेस जो भी ये उसका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के लिए, लेकिन फ्रॉम 18 जुलाई 2022 ये एग्जम्पशन हटा लिया गया है, तो 18 जुलाई 2022 से जीएसटी लगेगा, प्रायर टू दैट जो स्टोरेज या वेयर हाउसिंग में जीएसटी नहीं लगेगा, ये एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और एक क्लैरिफिकेशन दिया गया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स रिटर्निंग फ्रॉम नेपाल एंड भूटान आफ्टर डिलीवरी ऑफ ट्रांसिट कार्गो टू इंडिया। तो ये एग्जम्पशन है, जब भी हमारा कोई जो कार्गो जाता है नेपाल और भूटान को जाता है, वो कार्गो को एग्जम्पशन दिया गया है। क्या जब एम्प्टी जब आता है, जब वो डिलीवरी करने का बाद कार्गो अगर एम्प्टी आता है, तो वो टाइम में भी क्या वो जो सर्विसेज एग्जम्प्टेड है? तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है, मूवमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स फ्रॉम नेपाल एंड भूटान आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स देयर इज ए सर्विस एसोसिएटेड विथ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। तो हमारा जो नेपाल एंड भूटान को जो ट्रांजिट कार्गो के लिए वो एग्जम्पशन दिया गया था, तो जब वो डिलीवरी दे के मेटेरियल डिलीवरी दे के जब वापस आ रहा है, रिटर्न कर रहा है जो आपका कंटेनर, वो टाइम में भी वो सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ ये बताया जा रहा है, ये बताया गया है, ये पार्ट ऑफ जो हमारा जो ट्रांजिट कार्गो बोथ टू एंड फ्रॉम नेपाल एंड भूटान में आता है, तो वो भी जब हम रिटर्न आ रहा है, ये जब रिटर्न आ रहा है एम्प्टी कंटेनर्स, उसका ऊपर भी वो जो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा वो भी एग्जम्प्ट होगा। तो ये जो सर्कुलर 177 ये उसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया गया, डिफरेंट सिनेरियो में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो बारे में आज हम डिस्कस किए। ये सर्कुलर आप सीबीआईसी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।